एवरीवन, वेलकम टू बिहार स्मार्ट ब्लॉग्स। और अभी हम दीघा घाट में आए हुए हैं और आज हमको दीघा घाट दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सब छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार के। और हम दीघा घाट में आए हुए हैं। दीघा घाट में छठ पूजा काफ़ी अच्छा से तैयारी किया गया है और काफ़ी अच्छा घाट भी बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत है। इस बात का भी ध्यान रखा है कि किसी भी परिवर्तन में किसी अगर कोई दिक्कत न हो। साथ काफ़ी अच्छे से तैयारी किया गया और घाट भी काफ़ी सुंदर बनाया गया है यहाँ पर। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। पारी दीघा मेन रोड से नीचे घाट पे उतर के आने के लिए बनाया गया है रास्ता, कि जो कि काफ़ी अच्छे से रास्ता बनाया गया है ताकि किसी भी पर्यटक को नीचे घाट पे आने में किसी प्रकार कोई तकलीफ ना हो। और काफ़ी भीड़ है घाट पे और काफ़ी घाट अच्छा बनाया गया और काफ़ी पर्यटक उन सबका भीड़ है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा तैयारी भी किया गया। पर्यटकों के सुविधा के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रबंध किया गया है यहाँ पे। देख सकते हैं कि दूर दूर तक काफ़ी अच्छे से लाइट वगैरह भी लगाया गया है ताकि किसी को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और काफ़ी अच्छे तैयारी भव्य तैयारी किया गया है। हम देख सकते हैं पूरा दूर दूर तक पर्वतीय का पूरा भरा हुआ है। ये देखिए, ये सब तैयारी किया गया, लाइट वगैरह भी लगाया गया है, बीच बीच में सुरक्षा के लिए भी दिया गया है ताकि छठ पूजा का, और बिहार का सबसे पावन और सबसे बड़ा पर्व है छठ पूजा, जो कि आज से स्टार्ट हो जाता है। आज नहीं, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत घाट बनाया गया है और काफ़ी भीड़ है पर्वतीय सबका, जो शोर से अच्छे से काफी सब उत्साह है पूजा के लेके। अरे वहाँ चलते कोई अब वीडियो ही बना ला है पूरा। ले वीडियो